हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। सो इन दिनों आपको पता ही होगा, पबजी बैन की वजह से बहुत ही हल्ला मचा हुआ है। पबजी गेमर्स बहुत ही कंफ्यूज्ड है वेदर ये गेम बैन होगा या नहीं। सो आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगा और इसके सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बैन के न्यूज़ के बाद पबजी मोबाइल ने एक नोटिस जारी किया था जो गेम ओपन करने पर पॉपअप हो रहा था। तो बेसिकली पबजी मोबाइल ने इंडियन यूजर्स के लिए अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया था। इस नोटिस से पबजी मोबाइल अपने इंडियन यूजर्स और इंडियन गवर्नमेंट से ये कहना चाहती है कि उनका डेटा चाइना में फॉर नाउ लीक नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी बात है। पबजी मोबाइल के बैन होने के चांसेस अब बहुत ही कम दिख रहे हैं। पर रुको, जरा सबर करो। हमें स्टिल ये ध्यान में रखना है कि पबजी मोबाइल अभी B250 प्लस एप्लीकेशन के साथ इन्वेस्टिगेशन में है और हमारी गवर्नमेंट ये चेक कर सकती है कि ओल्ड प्राइवेसी में हमारा डेटा लीक होता था या नहीं। और अगर ये प्रूफ होता है कि डेटा चाइना में लीक हो रहा था तो पबजी को बैन होने में देर नहीं लगेगी। मेरे हिसाब से तो पबजी के बैन होने के चांसेस 50-50 हैं। सो गाइस, वो नोटिस देखकर ज़्यादा कुछ मत होना, अगले एक महीने में कुछ भी हो सकता है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड दोस्तों, होपफुली पबजी बैन ना हो। मुझे भी पबजी गेम बहुत ही पसंद है। अब ये सब हमारे गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, देखते हैं कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।